गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, लेसन नंबर 4 चल रहा है आपका क्रिएटिंग चार्ट्स इन स्प्रेडशीट। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं मोबाइल की हेल्प से, तो मोबाइल और आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। आज हम बात करते हैं इसी चैप्टर में क्रिएटिंग ए चार्ट, आप चार्ट को किस तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले हमने चार्ट सीखे थे, कौन कौन से चार्ट होते हैं, आज हम बात करते हैं चार्ट आप चार्ट विजार्ड की सहायता से कैसे बनाते हैं। देखिए, क्रिएटिंग ए चार्ट यूजिंग चार्ट विजार्ड इज क्वाइट सिंपल। अगर आप कोई भी चार्ट चार्ट विजार्ड की सहायता से बनाते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यानी जब आप एमएस एक्सेल में काम करते हैं और आप चार्ट चार्ट विजार्ड की सहायता से बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान और सुविधाजनक यह होता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ देखिए, क्रिएट ए न्यू वर्कशीट। सबसे पहले आपको कोई वर्कशीट बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए बॉक्स में बनाया हुआ है, मैंने कुछ बच्चों का डाटा लिखा हुआ है, कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आप भी जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं एग्जाम के बाद, या किसी की सैलरी, आप जो है इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। स्टेप टू, सेलेक्ट द डाटा रेंज टू बी डिस्प्लेड इन द चार्ट। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है माउस की सहायता से जो डाटा आपको चार्ट के रूप में लगाना है, यानी जितना आपको चार्ट में चाहिए आप उसे माउस की सहायता से क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से यहाँ तक का किया, तो आप उतने इसको सेलेक्ट कर सकते हो माउस की सहायता से। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। उसके बाद आप देखते हो एमएस एक्सेल के ऊपर ये आपकी मेन्यू बार, आपको कहाँ क्लिक करना है, इंसर्ट टैब के ऊपर। जैसे ही आपने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया, एक इस तरह का ऑप्शन आता है आपका चार्ट टाइप बटन, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया है माउस की सहायता से, और इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा चार्ट, और इस तरह का एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। देन क्लिक ऑन चार्ट सबटाइप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपके सामने बहुत सारे क्या हो जाएंगे, चार्ट के ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। इसके सामने क्लिक करने के बाद लिखा आएगा अदर चार्ट, आपको जो और चार्ट चाहिए आप उन्हें क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या आएगा, अलग अलग तरह के चार्ट आ जाएंगे, और ये डाटा आपका उन चार्ट्स में क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। द चार्ट विल अपीयर इन द वर्कशीट। जो भी चार्ट आपने सेलेक्ट किया है वो वर्कशीट के अंदर क्या हो जाएगा, अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई आपको देगा। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन तैयार होता है, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग चार्ट। आप जब भी स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को शो करते हो, वो किस तरीके से दिखाई देगा, आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ये काम आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। पेज नंबर है आपका 43। थैंक यू।